वेलकम टू फ्यूचर सक्सेस क्लासेस फ्यूचर सक्सेस क्लास को आपको स्वागत पूर्व मुझे कैक्यवाद मरीगला कैक्यवाद मरीगला मारा किए खिलजी इलबरी डायनेस्टी एंड घटला इलबरी डायनेस्टी एंड घटला इलबरी डायनेस्टी जो एंड घटला से कौन है खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट खिलजी खिलजी डायनेस्टी प्रथम व्यक्ति जी कि डायनेस्टी को फाउंड करना है कौन जलालुद्दीन खिलजी किए जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी 1290 मसीह डायनेस्टी को आरंभ कले सी कौन कले जलालुद्दीन बोली कहगला सी प्रकृत ना था खिलजी प्रथम जलालुद्दीन बोली कहला से प्रथम मुसलिम जीकि डेकान आड़े माड़ी जीकि प्रथम मुसलिम से डेकान आड़े माड़ी टोटल मुस्लिम डेकान आड़े माड़ी आसिकी आगु बढ़ी बढ़ी चलने 1294 मसीह जलालुद्दीन खिलजी कौन कर देवगिरी को अटाक कले सनील अलाउद्दीन खिलजी मदद में सनील अलाउद्दीन खिलजी मदद में से 1294 मसीह देवगिरी ऊपर अटाक कले देवगिरी को अत्यार नहीं गले अलाउद्दीन खिलजी तांकर जो सनील थिला ताकू कौन कले अपॉइंटमेंट करदे कौटी गवर्नर ऑफ खारा खारे अपॉइंटमेंट करदे से सैड थाए यही समय उल्लू खा आउ जो व्यक्ति जलालुद्दीन खिलजी दुईटा झील थाए प्रथम गोटे झील को अलाउद्दीन खिलजी बाहर आउ जो उल्लू खा थाए उल्लू खा कला उल्लू खा कौन कला उल्लू खा भी जो स्ट्रंग रूलर था जलालुद्दीन खिलजी जाइले जे उल्लू खा भी जो स्ट्रंग रूलर अच्छी चेंगिज खा कौन कर सेटा अटाक कर चेंगिज खा अटाक कर उल्लू खाँ भाई है चेंगिज खा उल्लू खाँ ब्रदर दीज ब्रदर उल्लू खाँ चेंगिज खा दीज ब्रदर सी कौन कले चेंगिज खा को उठाई उल्लू खाँ हाथ नईले उल्लू खाँ सहित झील को बाहर करदे तेरे कौन से चेंगिज खाँ को मारदेला बुझिपाल मारदेला राजा उल्लू खाँ कौन तेना उल्लू खाँ को से बाहर कले जलालुद्दीन खिलजी उल्लू खाँ सहित झील को बाहर करदे जलालुद्दीन खिलजी चली जाती 1296 मसीह चलीगला अलाउद्दीन खिलजी निजर आधिपत्य विस्तार कले जेकि गवर्नर ऑफ खारा खारा रे गवर्नर बार अपॉइंटमेंट थाए तापर देखिबा अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टिंग रूलर 1296 रु 1316 पर्यंत अलाउद्दीन खिलजी रहिले अलाउद्दीन खिलजी पूरा बलबन कर रूलटा को अपणाइले कौन से ब्लड एंड आयरन रूल करते ब्लड एंड आयरन मान पॉलिसी मैंने कौन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन करते एगेस्ट जो रिवोल्ट उठूला मैंने सब आंदोलन करते सप्रेस कर ब्लड और आयरन पॉलिसी करते यही पॉलिसी अनुसार जिते विरुद्ध एवं जमी आंदोलन सप्रेस करमती जितने आंदोलन उठले सप्रेस करने ब्लड और आयरन पॉलिसी या बर्तमान सप्रेस कर पुलिस जितेबाला आंदोलन होलीस सप्रेस कर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी करते जो लोक मानू कौन करते रिवोल्ट मानक मैंने आंदोलन विरोधी दल लोक मानक सप्रेस करते सी कौन करते गुजरात रूलर राय कर्णदेव टू गुजरात जो रूलर थे राय कर्णदेव टू जी कि भांजेला किंग भांगेला किंग भांगेला किंग कहु गुजरात रूलर राय कर्णदेव टू भांगेला किंग भांगेला डायनेस्टी किंग मारिदेले मारिदेलापर तांकरी स्त्री कमला देवी को बाहीगले स्त्री कमला देवी को से मैरिज करिगले पाखरे मल्लिक कापुर थाए मल्लिक कापुर को से आक्यूज करदेले मैंने आक्वायर करदेले मल्लिक कापुर को आक्वायर कर सारापर मल्लिक कापुर को से किणिले 1000 दिनार देकि तेणु तुम्हें हजारे दिनार से मल्लिक काफर को किणीदे हजार दिनार दे कि तेणु अलाउद्दीन खिलजी को हजार दिनारिज बोली कहे से कौन कले चित्तौर को कैप्चर कले चित्तौर रे राजा था गेहलट राजपूत किंग रावल रतन सिंह
गेहलटर राजपूत किंग था ना रावल रतन सिंह तांकु मारिदेले मारिदेला परे तांको स्त्री पद्मिनी को बाहा को चाहिए जेहेतु पद्मिनी जत्यंत सुंदर थे से जानवाक पाई तेणु अलाउद्दीन खिलजी कर इच्छा है चित्तौर को अटाक करेंगे अटाक करके पद्मिनी को बहुत करेंगे पद्मिनी कितु कौन कला से दलानी पद्मिनी कौन कला निजे जहर खाई स्वामी मरीगला रावल रतन सिंह मरीगला निजे जहर खाई मरीगला अलाउद्दीन खिलजी बहुत पूर्व से मरी जाए से कौन कले चित्तौर को अटाक कर सारापर तार ना खैजराबाद देदे खैजराबाद से चित्तौर को अटाक कर सारापर तार चित्तौर नाटक खैजराबाद चेंज कर ले से नॉर्थ इंडिया पट को बहुत कैंपेनिंग करता गुजरात आग अटाक कले गुजरात पर रणथंबोर गले रणथंबोर पर चित्तौर गले चित्तौर पर मालवा गले धर गले चंदेरी गले सिवाना गले तार जलवार गले एमती एमती अटाक कर गुजरात गुजरात पर रणथंबोर तापर चित्तौर तापर मालवा तापर धर तापर चंदेरी सिवाना एंड जलोर एटिक अटाक कले सी कौन कले मल्लिक काफुर को तांकर जो मल्लिक काफुर हजार दिनार दे कि हजार टंका दे कि हजार दिनारी देकी ताकू कौन कले साउथ आड़े पठेले सी कौन कला कहे तू साउथ आड़े जा जिते किंग अच्छे डिफिट करू सी जेतु साहसी मल्लिक काफुर सी कौन कला डिफिट करदे प्रथम यादव अफ देवगिरी जी रामचंद्र देव थे रूलर रामचंद्र देव यादव मान यादव मानकर किंग रामचंद्र देव देवगिरी रूल करते प्रथम डिफिट करदेलापर क्षेत्रीय किंग प्रताप रुद्रदेव वन को सी जे वांगाल रूलर थे प्रताप रुद्रदेव वन जे कि वांगाला थे क्षेत्रीय किंग तांकु भी डिफिट करदेलापर से हयशाल अफ द्वार समुद्र द्वार समुद्र हयशाल किंग थे वीर बल्लाल थ्री वीर बल्लाल थ्री तांकु डिफिट करदेलापर से पांड्यज मानकु डिफिट कला पांड्य मानक रूल थे किए मरवर्मन कुलक्षेत्र मलवर्मन मारवर्मन कुलक्षेत्र डिफिट करदेला पांड्य मानक जो मदुराई रे किंग थे पांड्य मदुराई किंग जी थे मारवर्मन कुलक्षेत्र को डिफिट करदेला डिफिट कलापर देन प्रताप रुद्रदेव गेव कोहिनूर हीरा टू द मल्लिक काफुर मल्लिक काफुर जो प्रताप रुद्रदेव युद्ध करती प्रताप रुद्रदेव हारी जाती बदल कौन करती कोहिनूर डायमंड दे दिखती सी कौन करती मल्लिक काफुर से क्या अंडर था अलाउद्दीन खिलजी अंडर था अलाउद्दीन खिलजी नहीं कि ये कोहिनूर डायमंडा दे दिखती मल्लिक काफुर को से ही समय रुस्तम ऑफ द एज कहला रुस्तम अफ एज कहीं कहला कारण हीरो ऑफ द टाइम यही समय से कौन करते चार जो आड़े जो आड़े अलाउद्दीन खिलजी पठे सबुआड़े से कौन जय कर कौन हुए आउ जड़े कमांडर था गाजी मल्लिक कौन करते अलाउद्दीन खिलजी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को पठाई थे सी अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जाुद्ध करके जीति सी कौन करते अलाई दरवाजा सीरी कैपिटल सीरी कैपिटल सीरी थी से कैपिटल सीरी रे से अलाई दरवाजा निर्माण करते खुर खास महल हासर सल्तुन जमाती खाना एगुड़ा सब निर्माण करते सब तैयारी करते खोर खास महल हजरत सतुन जमाइती खाना यह सब निर्माण कर जमाइती खानाटा खाली आम जानचे दिल्ली में अच्छी बर्तन मस्कुटे मान मस्जिद जमाइती खानाटा बर्तन अच्छी से टाइटल आर्डर करते सिकंदर आई साहनी से सिकंदर आई साहनी टाइटल आडप्ट करते सी जी प्रथम सुल्तान जे कि परमानेंट आर्मी सिस्टम इंडिया रे टोटल शासन काल रखी थे सी सोल्जर मानक चेर बोली कहते हर्स मानक दाघा
ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯିଏକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା, ହାଉସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ ଘାରି ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା, ପ୍ୟାଶ୍ଚର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ ଚେରି ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା। ସେ ଦିୱାନୀ ଆଇ ମୁସ୍ତକ ରାଜ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲେ, ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଯେତେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଏଇଟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଦିନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ଦିୱାନୀ ଆଇ ମୁସ୍ତକ ରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଖାଲି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା। ସିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିଥିଲେ, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଗୁଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଲଗା କରିଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ଆଇଟମ୍ ଅଲଗା କରିଥିଲେ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏଇ ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟଟା ସାହାନା ଅଣ୍ଡରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସୁଥିଲା, ସାହାନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସାହାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିଲା। ସେ ଏସ୍ପିନୋଜ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୈଦିସ ବୋଲି କହୁଥିଲା ବା ବାରିଜ, BARIDS ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରିଜ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସିକ୍ରେଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େ କରିଥିଲେ ମୁହିନ୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଏଟ ଥିଲେ, ଜଣେ ଅମୀର ଖୁସରୁ, ମୀର ହସନ ଦେବୀ, ଅମୀର ଖୁସରୁ ଆଉ ଜଣେ ମୀର ହସନ ଦେବୀ। ଦେନ୍ ଖିଲଜି ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, 16 ନମ୍ବର ପୁଅ ସିଆଉଦ୍ଦିନ କିଙ୍ଗସିପ୍କୁ ଆସନ୍ତି। 1316 ମସିହାରେ ଖିଲଜି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ପୁଅ ଖିଲଜିଙ୍କର ସିଆଉଦ୍ଦିନ ସିଏ ଆସନ୍ତି କ'ଣ କିଙ୍ଗସିପ୍କୁ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ କହନ୍ତି, ସେ କିଛି ରୁଲ୍ କରନ୍ତି, ତାର ସିଏ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିକି ରୁଲ୍ କରେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା 1316 1320 ପରେ ଶାସନ କଲେ। କଲା ପରେ 1320 ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା ଆଟାକ୍ କରେ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହାକୁ ମାରିଦିଏ 1320 ମସିହାରେ। ସେ କିଛି ଦିନ ରୁଲ୍ କରେ, କିଛି ଦିନ ରୁଲ୍ କଲା ପରେ ଗାଜି ମଲ୍ଲିକ ଆସେ, ଯିଏକି ଦୀପାଲପୁରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କରେ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହାକୁ ମାରିଦିଏ। ଗାଜି ମଲ୍ଲିକ, ଯାହାକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନିଜେ କମାଣ୍ଡର କରିଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଟୋଟାଲ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବା ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଏଣ୍ଡ ଘଟେଇଲା, ସିଏ ନିଜେ ଚାଲିଗଲା, ହେଠି ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଏଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଖିଲଜିଙ୍କର ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ପୋଏଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅମୀର ଖୁସରୁ ଯିଏକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଖାସାନଗଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଖାସାନଗଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସେଫ ଆଦ୍ଦିନ, ତାଙ୍କ ମଦରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବା ମଦର ତାଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫାଦର ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ, ତୁର୍କୀର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଦର ଥିଲେ ପଟିଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ। ସେ ବଲବନ ଠାରୁ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଏଟ ଥିଲେ, ବଲବନ ଠାରୁ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପୋଏଟ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଏଜେଡ଼ ଲୋକ ଅମୀର ଖୁସର, ସେ ଯିଏକି କୱାଲି ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, କୱାଲି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ଼ କରିଥିଲେ ତାବଲା ଆଉ ସିତାର, ସିତାର ଆଉ ତାବଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେ ବୀଣାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ବୀଣା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ଭର୍ସନଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅମୀର ଖୁସରୁ। ତାଙ୍କୁ ତୁକି ତୁତି ଆଇ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ୟାରଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୁତି ଆଇ ହିନ୍ଦ ବା ପ୍ୟାରଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ତୋଗଲକନାମା ଆଉ ଖାଜାନ ଉଲ୍ ଫୁତୁ ହେଲା ଫେମସ୍, ଗୋଟେ ତୋଗଲକନାମା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଜାନ ଉଲ୍ ଫୁତୁ, ଏଇଥିଲା ଫେମସ୍। ସେ ସେବକ ଆଇ ହିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା,
ପର୍ସିଆନ୍ ପୋଏଟ୍ରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବକାଇ ହିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ସେବକାଇ ହିନ୍ଦ। ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଏଣ୍ଡ ଘଟେ। ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପଢ଼ିବା, ତୋଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ତୋଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ସକ୍ସେସ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କଟାକୁ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ପେଜ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଫ୍ୟୁଚର ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଫେସବୁକ୍ରେ, ସେଠି ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଆମ ପାଠପଢ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆମର ନୋଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।